आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। मध्य प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा उपचुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। आज मीडिया से चर्चा करते हुए सांवेर के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में सांवेर से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे प्रेमचंद गुड्डू ने मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर एवं मध्य प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए तुलसी सिलावट जिम्मेदार है, क्योंकि जब प्रदेश में कोरोना फैल रहा था तब तुलसी सिलावट अपने आका ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बेंगलुरु की होटलों में आराम फरमाकर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने में लगे हुए थे। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को लेकर उन्होंने प्रदेश में कोई इंतजाम नहीं किए और यही कारण है कि इंदौर एवं प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैल गया। श्री गुड्डू ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसान परेशान हो रहे हैं, जबकि सरकार 5 तारीख तक खरीदी बढ़ाने की बात कह रही है। गुड्डू ने अपने दल बदल को लेकर कहा कि वे सिंधिया से प्रताड़ित होकर मजबूर हुए थे। सांवेर से चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से आदेश देगी वहां से चुनाव लड़ लूंगा, हालांकि मेरा लक्ष्य सिंधिया और सिलावट को हराना है। गुड्डू ने कहा कि यह चुनाव मेरा ना होकर सांवेर की जनता का तुलसी सिलावट से है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल स्वास्थ्य और कोरोना के लिए एडिशनल प्रमुख सचिव सुलेमान जी आए और सुलेमान जी ने कहा है कि फरवरी माह में ही कोरोना आ गया था। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री उस बात से मना कर रहे थे जो तुलसी सिलावट जी हैं। मेरा कहना है या तो सुलेमान गलत बोल रहे हैं या स्वास्थ्य मंत्री गलत बोल रहे हैं। आज सबसे बड़ा कारण कोरोना का जो हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तुलसी सिलावट ने ध्यान नहीं दिया और बेंगलोर की बड़ी होटलों में आराम फरमा रहे थे और सरकार गिराने का काम कर रहे थे। तो कोरोना का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मानता हूँ कि तुलसी सिलावट ही हैं, और जिन्होंने अपने गैर जिम्मेदाराना रवैया से आज बारिश हुई है, किसानों को जो गेहूँ तोला जा रहा था, जहाँ हजारों ट्रालियाँ जगह जगह खड़ी हुई थी, वो ख़राब भी हुआ है, खरीदी नहीं की गई है और झूठा आश्वासन दिया गया था कि 5 दिन के लिए खरीदी, एक भी खरीदी सेंटर पे खरीदी नहीं हो रही है, किसान भटक रहा है। गए साल यही गेहूँ जो था 2200-2300 रुपये का बिका, लेकिन आज यहाँ खरीदी नहीं होने की वजह से समर्थन मूल्य पर भी गेहूँ उससे नीचे व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि तुरंत किसानों पर ध्यान दें और इनकी खरीदी केंद्रों को तुरंत चालू करवाएं। जो 5 तारीख तक अफवाह ने बोला कि 5 तारीख, लेकिन एक भी सेंटर पर खरीदी नहीं की गई, और जितना नुकसान हुआ है किसानों का, 5-5, 7-7 दिन से ट्रालियाँ जो खड़ी थी उसमें जो नुकसान हुआ, उसके नुकसान की भरपाई शिवराज सिंह चौहान और तुलसी सिलावट को यहाँ करना चाहिए, चूँकि प्रभारी मंत्री भी हैं इंदौर संभाग के, तो तत्काल इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जी ने इस विषय पर कुछ काम नहीं किया, उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे स्वास्थ्य मंत्री, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कि जिस तरीके से सिलावट जी ने अपना गेट, चूँकि उनके पास तो खुद ही कैबिनेट मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी को जितने निर्देश जारी करने थे वो किए, कमेटी बनाई, लेकिन नीचे क्रियान्वयन करने के लिए, अब जिस तरीके सैनिटाइजिंग मशीन के साथ में वो फोटो उतरा रहे हैं और वो कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मंत्री का काम था क्या? जब कैबिनेट मंत्री हैं वो, तो पूरे मध्य प्रदेश को उनको देखना चाहिए, लेकिन अपनी वाहवाही के लिए वहाँ पे जिस तरीके से सैनिटाइजिंग मशीन के साथ फोटो उतरवाया है, तो उनका लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैया, उसके लिए जिम्मेदार है। पूर्व में आप भी कांग्रेस पार्टी में थे और आप भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, फिलहाल आप कांग्रेस में हैं और तुलसी सिलावट जी भाजपा में चले गए हैं, तो
तो इस दल बदल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने कोई दल बदल नहीं किया था। मुझे जैसा कि मैं हमेशा कहा है कि सिंधिया जी के परिवार के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, परेशान किया गया था, उसी के दौरान हम लोगों का ये सब स्थिति बनी। आज हमने कोई सरकार की लालच में, सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की सरकार है, सरकार कोई किसी लालच में नहीं आया हूँ मैं। मेरे को तो सेवा भाव से आया हूँ। जब गया था मुझे प्रतिनिधित्व किया गया था, इस वजह से गया था। पर बीजेपी कह रही है कि आप सर, ये तो देखो उनको आरोप लगाने के लिए वो लगा रहे हैं। और सवाल बीजेपी कांग्रेस, यहाँ तो हमको तुलसी सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया को सबक सिखाना है। जिस तरीके से आज बेरोजगारी का भत्ता मिलना था, जो जून से 5,000 रुपये शुरू करने वाली थी कांग्रेस की और कमलनाथ जी की सरकार, वो बेरोजगारों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, किसानों को माल वाजिब माल गए बार 2300 रुपये बिका, आज नहीं बिका। सोयाबीन 4,500 रुपये बिकी, अभी उसके भी भाव नहीं है। प्याज जो 15 रुपये बिका, उसके भी भाव नहीं है। 3 रुपये और 4 रुपये मंडी के अंदर आप देख रहे हैं। तो अवसरों को नहीं, आरोप चूंकि लगाना तो लगाते रहें, उससे मेरे को अवसरों में सरकार में रहते हुए जाता तो अवसरों की तलाश थी। आज विपक्ष में हूँ, विपक्षी लड़ाई लड़ने के लिए मैं आया हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। हालांकि अभी आपकी उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सावेर से ही आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी जो आदेश देगी, मैं पार्टी जो आदेश देगी वो काम करूँगा, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूँगा और सिंधिया और सिलावट को सबक सिखाने का काम करूँगा।